प्रदेश सरकार कोरोना काल में गरीब वर्ग की हर संभव मदद करने की हर कोशिश कर रही है और यही कारण है कि कोरोना को भी प्रदेश सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत शामिल किया। इस योजना से प्रदेश के करीब 95 लाख परिवार के लोगों को मदद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ निजी अस्पताल सरकार की कोशिश पानी में फेरते नजर आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर सुनामी की तरह आई और देखते ही देखते कहर बरपा गई। नतीजा, सरकारी अस्पतालों में सारे बेड भर गए। बचे प्राइवेट अस्पताल तो इनकी फीस भरना आम आदमी के बस के बाहर है, लिहाजा सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत कोरोना को भी शामिल कर लिया, लेकिन निजी अस्पताल हैं कि मानने को तैयार नहीं। आयुष्मान योजना से लोगों को कितनी मदद मिल पा रही है, इसको लेकर हमारी टीम ने कई अस्पतालों का जायजा लिया। रोशनपुरा इलाके में हमारी टीम एक निजी अस्पताल पहुंची तो हमें एक शख्स मिले जिन्होंने बताया कि 8 मई को इन्होंने अपनी पत्नी को आयुष्मान योजना के तहत भर्ती कराया, लेकिन डिस्चार्ज कराते समय उनसे इलाज के नाम पर 1 लाख से ज्यादा रुपए मांगे गए, लेकिन मरीज के परिजनों ने शिकायत करने की बात कही तो अस्पताल ने इलाज का पैसा नहीं लिया, लेकिन दवाई के नाम पर करीब 81,000 रुपए ले लिए। 8 तारीख को भर्ती करवाया था, 8 तारीख से आज तक के भर्ती थी वो। उसमें हॉस्पिटल का चार्ज उनने मुझसे मांग रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि मैं वहाँ पे कंप्लेंट करूँगा, तो उनने हॉस्पिटल का चार्ज मुझसे नहीं दिया, तो बाकी मेडिकल का चार्ज उनने मुझसे पूरा लिया। मेडिकल का जो 85,000 रुपये बना था चार्ज, उसमें दवाई रिप्लेसमेंट करके मेरे से 81,000-82,000 रुपये उनने फिर भी ले लिया। आयुष्मान योजना में कई पात्र लोगों के कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, ऐसे में कोरोना काल में उनका भी फ्री इलाज नहीं हो पा रहा है। कई लोग कार्ड बनवाने के लिए जालसाजी का शिकार हो रहे हैं। राजधानी में कई कार्डधारी हमें ऐसे मिले जिन्होंने 1,000 रुपए देकर कार्ड बनवाए, बाद में पता चला कि कार्ड फर्जी है, अब वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आयुष्मान योजना पर कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रही है, तो बीजेपी का कहना है कि इस योजना से कई लोगों को फायदा होगा। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि जिसके साथ भी निजी अस्पताल मनमानी कर रहे हैं वो हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। फिर एक अस्पताल कहने लगा कि हम अनुबंधित नहीं है, फिर एक अस्पताल कहने लगा कि भैया पुराने पैसे जमा करो तो इलाज करेंगे। आयुष्मान में भी अस्पताल जो है वो आगा पीछा कर रहे हैं, वो लोगों को आयुष्मान, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि शायद पैसा नहीं मिलेगा सरकार से, जो सरकारों की हालत ख़राब है उसमें मिले, और आयुष्मान का पैसा देना है केंद्र को और केंद्र इनको दे नहीं रहा है पैसा, तो इसलिए अस्पताल आगा पीछा कर रहे हैं। क्योंकि ये बात सही है, कोविड के इलाज में कुछ खर्चा ज़्यादा होता है, इसीलिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में टॉपअप देकर उनको इस योजना से जोड़ने का निर्देश किया। देखिए, सरकार ने इसके लिए पूरी तरह हेल्पलाइन और अलग डेस्क बनाई है, ऐसी शिकायतें मिलेंगी तो अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आयुष्मान योजना लोगों की मदद के लिए बनाई गई है, इससे लोगों को फायदा भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं निगरानी की कमी है और निजी अस्पतालों की मनमानी के चलते मरीजों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।